दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का मुश्किल दौरा अब खत्म हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम को टेस्ट और एक दिवसीय श्रृंखला में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया है और उन्होंने आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के लिए अपनी एक संभावित प्लेइंग 11 जारी की है, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं शिखर धवन की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है शिखर धवन और रोहित शर्मा में से बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट मुकाबले को छोड़ दें तो भारतीय टीम को उसके बाद एक भी जीत नहीं मिली है, जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी पूरी तरीके से नाकाम रही है। हालांकि काफी समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे टीम इंडिया के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने एक दिवसीय श्रृंखला में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 मुकाबलों में 2 अर्धशतक लगाए और लगभग 200 के करीब रन बनाए हैं और अपनी जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया है। वहीं अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के बाद अपने घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला और 3 मुकाबलों की T20 श्रृंखला खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। और पहले एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए शिखर धवन ने अपनी एक संभावित प्लेइंग 11 जारी की है। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन ने अपनी प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी खुद के साथ चोट से उभरते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर रखी है। आपको बता दें कि ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पिछले काफी समय से भारतीय टीम के लिए जबरदस्त करते आ रहे हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने नंबर 3 की जिम्मेदारी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर रखी है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया है। और वहीं आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में शतक लगाकर चले आ रहे अपने शतकों के सूखे क्यों भी खत्म करना चाहेंगे। वहीं इसके बाद नंबर 4 पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के बेहतरीन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन रोहित शर्मा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं इसके बाद नंबर 5 की जिम्मेदारी उन्होंने एक बार फिर से भारत के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर रखी है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में 85 रन बनाए थे और उनसे एक बार फिर से ऐसी ही बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। वहीं इसके बाद नंबर 6 पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन लय में नजर आ रहे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया है। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन से संभावित होकर शिखर धवन ने उनको ऊपर खेलने का मौका दिया है। वहीं इसके बाद स्पिन विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने युजवेंद्र चहल के साथ वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर रखी है, जो बल्लेबाजी में भी बेहतरीन योगदान देकर भारतीय टीम की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वहीं इसके बाद तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के साथ साथ मोहम्मद सिराज के कंधों पर रखी है, जिन्होंने पिछले काफी समय से भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की यह संभावित प्लेइंग 11 बेहद ही संतुलित नजर आ रही है और इसके साथ ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही गहराई नजर आ रही है, जिससे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।